आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं भारत लाइव। ट्रिपल तलाक को लेकर देश की सियासत में तेजी आ गई है, वहीं बिहार की राजधानी में भी तीन तलाक को लेकर हलचल तेज हो गई है। ट्रिपल तलाक का बिल अब जहां बीजेपी समर्थन में है तो वहीं सहयोगी दल जदयू उसका विरोध कर रही है। अब इस मामले को लेकर आरएलएसपी ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधा। बीजेपी और जदयू पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता माधव आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और जदयू दोनों पार्टियां इस मामले पर अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रही है। इसी के साथ माधव आनंद ने आगे कहा कि तीन तलाक को लेकर बीजेपी और जदयू दोनों पार्टियां ही आई वॉश करने में लगी है। वहीं माधव आनंद ने बाढ़ को लेकर कहा कि अगर राज्य में बीजेपी के मंत्री होते तो केंद्र सरकार इतनी उदासीन नहीं होती। बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार को बिहार की मदद करनी चाहिए। मॉब लिंचिंग पर बात करते हुए माधव आनंद ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सासाराम में हुई मॉब लिंचिंग की बात करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग मामलों को लेकर केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। बता दें कि गुरुवार को सदन में तीन तलाक बिल को एनडीए की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने इस बिल का विरोध करते हुए सदन में वॉकआउट कर दिया था। जदयू सांसद ललन सिंह ने इस विधेयक को अविश्वास पैदा करने वाला बताया। उन्होंने इसके विरोध में कई तर्क दिए और कहा कि जदयू शुरू से इस बिल का विरोध कर रही है। छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।